भी है। मुझे पता है। चीफ लॉ। सारे बटन बटे हुए थे। ईमान को वर्ड दुबाना बोलना नहीं आता, यानी प्रेस करना जो है वो वर्ड बोलना नहीं आता, तो वो बदे बोलती है कि यहाँ सारे बटन बदे हुए थे। चार्जर उठा दिया था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अपना होटल जो है आप चेकआउट कर दिया था, हम लोगों ने सारी पैकिंग शैकिंग कर ली थी। पैकिंग इस बार माशाल्लाह हुई इतनी ऑर्गेनाइज थी कि सब चीज़ें मैं साथ साथ रखती गई हूँ, निकालती गई, तो बड़ा ईजी रहा इस बार। तो दो मिनट में हमारी सारी पैकिंग होगी, निशाने चीज़ें नीचे रख दी और अब हम लोग जा रहे हैं। तो जी बस अब हम लोग निकल रहे हैं वापस बहरीन के लिए। पहले हरम जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर निकल जाएंगे। जुहर की अजानें हो चुकी हैं, वहाँ जाके अब जुहर पढ़ेंगे। और बस ज़िशान लेने गए वही ब्रोच जिसके बारे में मैंने बात की थी, आयान को बहुत पसंद है, तो बस वो आयान के लिए ले लेंगे। और मैं कह रही हूँ कोई कबाब रोल वगैरह ना ले लेते हैं, तो देखते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। बस फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर हरम में बैठ के तो हम लोग चले चलेंगे बहरीन वापस। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कुछ ग्रिल कबाब भी लिए थे, यहाँ पर जिशान मीठा भी लेके आए थे जो कि ओरियो का बना हुआ था, और मीठा गुड था, ठीक था। बस ओरियो को देख के गुस्सा सा आ गया था मुझे, क्योंकि ये हमारी बॉयकॉट लिस्ट में शामिल है। एनीवेज अब हम जा रहे हैं हरम यानी मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं, इसको भी हरम कहते हैं लोग। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और दिल जो है इस वक्त फुल भरा हुआ था, पता नहीं इस बार तो टोटल डिफरेंट फीलिंग थी। पिछली बार भी डिफरेंट थी बट इस बार तो यू नो नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अब जी हम लोग अंडरपास से गुजर रहे हैं, जिस अंडरपास का नाम रखा गया हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर, और इसको हम लोग ये बहुत दो बहुत मशहूर है वहाँ पर, अबू बकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा वाला अंडरपास और एक जो अंडरपास बनाया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा पर। तो ये दोनों आस पास ही मस्जिद नबी के पास पास ही हैं। तो बस अब हम लोग अपनी कार पार्क कर दी थी हम लोगों ने बेसमेंट में, और अब हम लोग ऊपर जा रहे थे मस्जिद नबी की तरफ। और ये देखिए अब हम लोग स्टॉलर ऐसे ही चढ़ा लेते हैं एक्सेलेटर पे, हम लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी आप लोगों ने एहतियात के दामन हाथ से नहीं छोड़ना, बच्चों को बिल्कुल भी अपनी इग्नोरेंस नहीं दिखानी खासतौर पे एक्सेलेटर पे, क्योंकि बच्चों के लिए वो बहुत अनसेफ जगह है। ठीक है जी, और ये जी हम लोग आ चुके हैं सहन में, खूबसूरत नज़ारे कर रहे हैं, और इस वक्त मैं इतने आंसू थे मेरी आँखों में, एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग। अच्छा जैसे मैं भी एंटर हुई ना, ये लेफ़्ट साइड पर एक कपल खड़ा हुआ था, ये अंकल थे और साथ में दो लेडीज़ थी, आई डोंट नो दोनों एक बहन है ये दोनों वाइफ्स हैं इनके, आई डोंट नो, बट वो इतना खुश हो रहे थे कि मैं उनकी पिक्चर लूँ, और उनको इतनी पसंद आ रही थी मेरी पिक्चर्स, लाइक लिटरली वो आंटी मुझे दुआएँ दे रही थी। और आप इनकी स्माइल चेक करें, शी वॉज लिटरली टू मच हैप्पी कि यार आपने हमारी पिक्चर्स जो है ना बहुत अच्छी ली हैं। तो फिर एक अभिया को उनके साथ खड़ी करके मैंने पिक्चर ली, तो मतलब मुझे इतनी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार जो आपको खुश कर देती हैं। इतना कपल खुश हो रहे थे कि आपने हमारी जो है ना पिक्चर बहुत अच्छी ली, आई थिंक वो ईरान के थे। और मैं जगह जगह रुक जाती थी और मैं काफ़ी देर तक देखती रहती थी, और जो शाम मुझे कहते थे टेक योर टाइम, अगर आपने थोड़ा सा टाइम लेना है यहाँ पर तो आप ले लो, फिर बाद में ना कहना कि आपने मुझे रहने नहीं दिया। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ दिन कट कर लिए थे अपने टूर में से, तो मुझे हो रहा था कि हम लोग जल्दी जा रहे हैं और बच्चों के लिए जाना पड़ रहा था, तो आई वॉज़ फीलिंग वेरी सैड। तो उसी पॉइंट पर मुझे ये भी था कि ज़रूरी है बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और जब तक मैं नमाज़ पढ़ रही थी अभिया आगे पीछे मेरे घूम रही थी, और वहाँ पर लेडीज़ थी जो उठा उठा के अभिया की पिक्चर्स ले रही थी, पहले वो मेरा वेट कर रही थी कि मैं नमाज़ कम्प्लीट कर लूँ, वो मेरे से परमिशन लें तो ताकि पिक्चर ले सके। आई वॉज लाइक नहीं इट्स ओके, आप जितनी मर्जी पिक्चर्स दें। और ये चीज़ मैंने अब डिस्कवर की है कि जी आप ये देख रहे हैं सारी स्टॉलेट्स खड़ी हुई हैं साइड पर, तो जी आप मस्जिद में अगर आपने अंदर जाना है, आपके साथ बेबी हैं, तो आप स्टॉलर साइड पर खड़ी करके भी अंदर जा सकते हो। और मैं क्या करती थी मस्जिद नबी में स्टॉलर भी नहीं थी अंदर ला रही, कि भाई वो मुझे भैया के साथ जाने नहीं थे देते हो, और अगर आप पूछ लेना कि जी अंदर चले जाएं तो बच्चा आपके हाथ में देखे तो वो जाने नहीं देते हैं, इसलिए चुप करके ना मैं बड़े आराम से साइड से निकल जाती थी अंदर। जाहिर है मैंने मस्जिद के अंदर तो जाना है ना, मैं पिछली बार भी कॉम्प्लेक्स में रह के चली गई, बस फजर मैंने अंदर पढ़ी है, ये एक आधी जोहर पढ़ी है, तो इस बार तो मैंने सोच लिया था कि मैंने लिहाज नहीं करना, और मैंने कहना भाई मेरा भी हक है, मैंने भी जाना है अंदर, अब क्या मतलब है अगर मेरे बच्चे हैं तो आप मुझे अंदर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो इस बार तो मैं पूरी लड़ाई के लिए तैयार थी, तो अल्लाह का शुक्र है लड़ाई का मौका नहीं आया। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डिस्कवर होती है जब आप जाते हो ना वहाँ पर, बहुत सारे रस्ते नए नए खुलते चले जाते हैं। जैसे मैं स्टॉलर के साथ हरम में भी रही हूँ, काबा में भी रही हूँ, बट स्टॉलर के साथ मैं तवाफ में पार्ट नहीं थी लेती, वो लेना भी नहीं चाहिए, वो आपको मेरे ख्याल में लेने भी नहीं देंगे। तो मैं स्टॉलर भी फोल्ड करके नीचे ले जाती थी काबा के बिल्कुल पास, और वहाँ अभी आपको बिठा देती थी, बस
सामने सामने नहीं आना होता, कन्फ्रंट नहीं करना होता, पूछना नहीं होता, बस चुप करके काम करते रहा करें अपना। और दूसरा ये कि मस्जिद नबी भी आप बच्चों के साथ जा सकते हो अंदर, बस आप उनसे बार बार पूछे नहीं, और अगर आपको वो देख लेंगे ना तो वो जाने नहीं देंगे, तो चुप करके अंदर ले जाएं बच्चा। इसके अलावा बिल्लियाँ आपको मस्जिद नबी में हर जगह आपको बिल्लियाँ नजर आएंगी भाई, बहुत बिल्लियाँ नजर आएंगी। हालांकि वो भी स्ट्रे कैट्स होती हैं, बट वो इतनी कोई जो पेट किस्म की कैट्स होती है ना कि वो आपको आराम से पैट करने देती है, और वो आपको अलाउ करती है कि जी आप हमें पेट करें। तो इतनी स्वीट बिल्लियाँ आपको मस्जिद नबी में और हरम में भी आपको मिलेंगी, तो बहुत स्वीट बिल्लियाँ होती हैं। और यहाँ पर जी जो जिशान कबाब लेके रहे थे, अल्लाह अकबर, इन्ने बदजायका थे यार, ना नमक ना मिर्च कख नहीं। अब हमें भी आदत हो गई, लेकिन हम बहुत कम मिर्ची वाली चीज़ें खाते हैं, क्योंकि बहरीन में भी यही सीन ऑन है कि भाई इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं मिलती, कुछ ही एक दो का रेस्टोरेंट्स है, बट यार इसने तो हद ही मुका दी थी। और यहाँ पर बहरीन में ये सीन होता है कि साथ में आपको पिकल्स देते हैं, सऊदीया में भी मेरे ख्याल में होगा ये ट्रेंड, या अरबी पिकल्स बहुत पसंद करते हैं, उनमें क्यूकम्बर्स हैं, उनमें चिलीज हैं, इवन कॉलीफ्लावर्स वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा पिकल्स को पसंद करते हैं। तो भाई मिर्ची पिकल ही साथ दे देते ताकि हम लोग कुछ अपना मूड सही कर लेते। बड़ा ही अजीब सा उसने दिया था, ना प्याज थे ना रायता था, बस ओके सोके ओके मैंने खा तो लिया कबाब, पर मैंने तहैया कर लिया आज के बाद मैंने जी कबाब नहीं लेने मदीना से। अच्छा जी, अब आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने सफ़र करना है, बाय रोड कर रहे हैं सफ़र, आप यूएई से आ रहे हैं या आप बहरीन से आ रहे हैं या कोई भी ऐसा कंट्री से आ रहे हैं जो कि जहां बाय रोड जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं उम्रे पर, तो आपने साइजी की एक ऐप है वो डाउनलोड कर लें, वो बहुत हेल्पफुल रही है हमें, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। वो आपको बताता रहता है कितने कितने डिस्टेंस पर आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और ये पेट्रोल पम्प्स वगैरह मिल जाएंगे, मसाजेज मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त ऐप है, लाजमी आप लोग भी इसको डाउनलोड करके अपने पास रखें। और अगर आप बहरीन से जा रहे हैं ना, उम्रे पर जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं या मदीना जा रहे हैं, दोनों जगह में से किसी भी जगह पर जा रहे हैं ना, तो आपके जो आवर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, लाइक 12 घंटे का सफ़र ही रहता है, लाइक वो आपको 12 घंटे ही शो करेगा, ठीक है। अब मज़े की एक बात बताती हूँ, वापसी पर जाते हुए हमारा 18 घंटे का सफ़र हो गया था, क्योंकि हमने इतने रेस्ट किए, इतनी जगह रुके, बच्चों ने भी वॉशरूम वगैरह जाना होता था, नमाज़ पढ़नी होती थी, फिर हम लोग रुक जाते थे, गपशप भी मार लेते थे, तो वो हमारा काफ़ी ज़रा टाइम निकलाया। बट वापसी पर हम लोग रुके भी हैं, बट इतना लंबा लंबा नहीं रुके, बट 5-6 जगह हम लोग वापसी पे भी रुके हैं, और एग्जैक्ट ट्रस्ट मी एग्जैक्ट 12 घंटे के अंदर वी वर इन बहरीन। अच्छा अब ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये कौन सी जगह है सऊदीया की, ये है आई थिंक रियाद है यार, ये इतना डेवलप्ड है, ये जो भी जगह है सऊदी अरेबिया की ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ पर आपको इतनी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएंगी, और कहीं जगह आपको सऊदीया में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा आर्किटेक्ट नहीं देखने को मिलेगा और ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा, बस ये वाली वो स्पेसिफिक जगह आई थिंक ये रियाद है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज हमेशा मैं देखना भूल जाती हूँ। लास्ट बार भी मुझे यही वाली चीज़ें नज़र आई थी, मैंने सोचा था कि इस बार ना रिकॉर्ड करूँगी कि कौन सी जगह है, क्या नाम है उसका, बट हमेशा मैं नींद में होती हूँ, तो इस बार भी मैं नींद में थी तो मैंने देखा ही नहीं एग्जैक्टली कौन सा, मेरे ख्याल में ये रियाद था, ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग कैफेज़ वगैरह रुकते गए हैं, चीज़ें वगैरह खाते पीते गए हैं, और यहाँ पर आप देख लें हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर पर, बहरीन पहुँच चुके हैं, रात के 2 बज रहे थे आई थिंक जब हम लोग पहुँचे हैं अपने घर पर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो ये जी व्लॉग को करते हैं मैं एंड यहाँ पर, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह office।